चैप्टर सेकेंड नाउन नंबर. सो टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर सेकेंड. नाउन कैन बी इधर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर. जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लूरल भी हो सकती है. सिंगुलर नाउन, अ नाउन इज सिंगुलर इन नंबर व्हेन इट इंडिकेट ओनली वन पर्सन एंड वन ऑब्जेक्ट और वन थिंग. एग्जाम्पल, अ मैन, अ बुक, अ पेन, एन एप्पल एंड अ चेयर. ओके. सेकेंड प्लूरल नाउन, अ नाउन इज प्लूरल इन नंबर व्हेन इट पॉइंट्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. मतलब एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग की ओर इंडिकेट करे वो कौन सी नाउन होती है, वो कौन सा नंबर होता है, प्लूरल नंबर. एग्जाम्पल, 5 men, 20 pens, 10 apples and 15 chairs. ओके. नाउ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन, लुक एट द फॉलोइंग टेबल क्लोजली टू लर्न अबाउट हाउ वी मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ डिफरेंट नाउन. प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन एंडिंग इन हिशिंग साउंड एस, डबल एस, सी एच, एस एच एंड एक्स, ये सारी जो साउंड होती है इनमें हिशिंग साउंड होती है. और हिशिंग साउंड जब किसी वर्ड के लास्ट में आती है तो हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं. ओके. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, बॉक्स का बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, बस बसेस, चर्च चर्चेस, एक्स एक्सेस, किस किसेस, मैच मैचेस, लैम्प लैम्प्स. ओके. ऑल द अबव प्लूरल फॉर्म आर मेड बाय एडिंग एस और ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ईच नाउन. ओके. सो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हिशिंग साउंड अगर किसी वर्ड के लास्ट में आती है तो हम क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस यूज़ करते हैं. ओके. सेकेंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन एडिंग इन एफ एंड एफ ई. प्लूरल फॉर्म यदि किसी वर्ड के लास्ट में एफ और एफ ही आता है और तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, काफ काफ्स, नाइफ नाइव्स, लॉफ लॉफ्स, थीव थीव्स, शेल्फ शेल्फ्स, लीव लीव्स. ओके. सो हाउएवर देयर आर सम वर्ड्स विच एंड इन एफ बट डू नॉट फॉलो द रूल मेंशन अबव, दीज वर्ड्स आर मेड प्लूरल सिंपली बाय एडिंग एस. ओके. द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, चीफ चीफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीव बिलीव एंड शेफ शेफ्स. ओके. अगर कोई वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी ई एस यूज़ करते हैं. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ओनली क्या यूज़ करते हैं, एस ही ऐड करते हैं. ओके. नेक्स्ट थर्ड रूल, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन एडिंग इन ओ. थर्ड रूल क्या है, अगर कोई वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो द प्लेस ऑफ ओ वी विल यूज़ ई एस. ओके. लेट्स सी द एग्जांपल, बफलो बफलोज, हीरो हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, इको इकोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज. ओके. हाउएवर दीज वर्ड्स दो एंडिंग इन ओ डू नॉट फॉलो द रूल मेंशन अबव, दे टेक एस एट द एंड एंड नॉट ई एस. ओके. एग्जाम्पल, एक्सकीमो एक्सकीमोस, पोटैटो सॉरी फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, रेडियो रेडियोज, ज़ीरो ज़ीरोज, स्टूडियो स्टूडियोज. ओके. एंड नेक्स्ट रूल इज, इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ नाउन इज वाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर द लास्ट लेटर वाई इज चेंज इन टू L I E S in the plural form, baby babies, boy boys. Okay. Next, look at the following table for more such words: berry berries, city cities, diary diaries, army armies, and deity deities, and fairy fairies. Okay. Next rule is. नंबर. जी हाँ, नंबर है नाउन का एक पार्ट. और इससे पहले हम लोग नाउन के बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज उसी नाउन के एक पार्ट नंबर की चर्चा हम करेंगे. सो वी विल रीड टुडे अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स
एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड रूल्स टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. फर्स्ट, व्हाट इज अ नंबर? मीन्स नाउन का जो पार्ट होता है नंबर. सो व्हाट इज अ नाउन? नंबर. नंबर इज दैट ग्रामेटिकली एंटिटी दैट टेल्स अस द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन. जी हाँ, नंबर जो होता है एक ग्रामेटिकली प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो नाउन है सेंटेंस में वो एक है या एक से ज्यादा है. नंबर क्या होता है, जैसा कि हम मैथमेटिकली जानते भी हैं, जो एक दो तीन चार किसी चीज को काउंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा नंबर. और उसी नंबर को हम इंग्लिश में जानते हैं नाउन के एक पार्ट के रूप में. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन नंबर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स. दो तरह के होते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नंबर, व्हाट वी से? इफ द नाउन इज जस्ट वन इन नंबर, इट कम्स अंडर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नंबर. यानी अगर आप किसी सेंटेंस को देख रहे हैं और उस सेंटेंस में आया हुआ नाउन अगर नंबर में वन हो यानी एक हो तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, किंग, बुल, डॉग, पेन. यहाँ पे हमने ये जितने भी वर्ड लिखे हैं आप देखिए ये सिंगल की बात हो रही है, यानी वन बॉय, वन किंग, वन बुल, वन डॉग, वन पेन, यानी नंबर में ये क्या है? वन. सो दे विल बी कॉल्ड सिंगुलर नंबर. इफ यू टॉक अबाउट प्लूरल नंबर, देन इफ द नाउन इज मोर देन वन इट कम्स अंडर प्लूरल नंबर. यानी जब हमारे सेंटेंस में जो नाउन है वो एक से ज्यादा रहे तो उसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स, बॉयज, विमेन, काउज, बुक्स, सबके साथ एस 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 लगा हुआ है. सॉरी, एक्सेप्ट विमेन, सबके साथ एस एस लगा हुआ है, इट मीन्स दे आर इन प्लूरल. ये बहुत ज्यादा की संख्या में है और इसलिए हम इन्हें प्लूरल मानेंगे. सो देयर आर सम रूल्स जिन्हें जान करके आप समझ पाएंगे कि हम सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करें. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गो थ्रू दिस ऑल द रूल्स, फॉलो इट अगेन एंड अगेन, टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल विल नॉट एट ऑल विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो आप पूरे रूल्स को बहुत अच्छी तरह से देखिए. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन. द वर्ड्स विच एंड विद एस, ई एस, एस एच और एक्स आर मेट प्लूरल बाय एडिंग ई एस इन देम. यानी वो वर्ड्स जो कि एंड होते हैं एस के, ई एस, एस एच या एक्स के जरिए, उन्हें हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? उसमें ई एस एड करके. सी सम एग्जाम्पल्स, जैसे बस खत्म हुआ है एस के साथ, आप इसमें ऐड करेंगे ई एस, बन जाएगा प्लूरल. बॉक्स खत्म हुआ है एक्स के साथ, ई एस यूज करेंगे, बन जाएगा प्लूरल. ये खत्म हुआ है एस एच के साथ, ई एस यूज करेंगे और बन जाएगा प्लूरल. नाउ इन आर नेक्स्ट रूल, द वर्ड्स विच एंड विथ ओ एंड देयर इज अ वॉवल लेटर बिफोर ओ वी एड एस टू मेक द वर्ड प्लूरल. यानी कोई वर्ड है जो खत्म हो रहा है ओ से और उस ओ के ठीक पहले कोई वॉवल लेटर हो, यानी ए ई आई ओ यू, अगर कोई वॉवल लेटर हो तो उस वर्ड को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? उसके लास्ट में एस एड करके. फॉर एग्जाम्पल, बैम्बू. अब बैम्बू में आप देखो लास्ट लेटर क्या है? ओ. और ओ के पहले क्या आया है? ओ. यानी ओ के पहले आया है एक वॉवल, इसीलिए इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे एस एंड इट विल बिकम बैम्बूज. उसी तरह रेडियो में ओ, ओ के पहले वाला लेटर है वॉवल आई और इसलिए इसका प्लूरल बनाएंगे एस डाल के रेडियोज. कुकू, ओ लास्ट लेटर है ओ, उसके पहले जो लेटर आया है वो भी है ओ यानी वॉवल है, इसलिए इसमें हम एस डालेंगे और बन जाएगा कुकूज. नाउ इन आवर थर्ड रूल, द वर्ड्स विच एंड विथ ओ एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर ओ वी एड ईएस टू मेक द वर्ड प्लूरल. यानी वो वर्ड्स जो कि ओ के जरिए खत्म होंगे यानी उनका लास्ट लेटर होगा ओ एंड बिफोर दैट ओ अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस एड करेंगे. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, जैसे टोमेटो. टोमेटो का लास्ट लेटर है ओ और उसके पहले है कॉन्सोनेंट लेटर, सो व्हेन वी मेक प्लूरल ऑफ इट वी विल एड ईएस इन इट एंड इट विल बिकम टोमेटोज. हीरो, लास्ट लेटर ओ और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी विल
एड ई एस टू मेक इट प्लूरल एंड इट विल बिकम हीरोज. पोटैटो लास्ट लेटर ओ, ओ के बिफोर में है कॉन्सोनेंट लेटर टी, सो वेन वी मेक प्लूरल ऑफ इट वी विल एड ई एस टू इट एंड इट विल बिकम पोटैटोज. सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर विथ यू. बढ़ते हैं आगे के रूल्स की तरफ. The words which end with y and if there is a consonant letter before y, we remove y and add ies to make the words plural. जी हाँ, अगर आपके सामने वैसे words आए जो खत्म होते हैं y के साथ, यानी जिनका last letter y हो और उस y से ठीक पहले कोई consonant letter हो, तो आपको उस y को remove करना है और add करना है ies और बनाना है उस word का plural. फॉर एग्जाम्पल सिटी, लास्ट लेटर वाई, बिफोर वाई क्या है टी, कॉन्सोनेंट लेटर, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा के आई ई एस एड करेंगे और बन जाएगा सिटीज प्लूरल. बेबी, लास्ट लेटर वाई, बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर बी, जब आप प्लूरल बनाएंगे एड करेंगे आई ई एस और हटा देंगे वाई को और बना देंगे बेबीज प्लूरल नंबर. टॉय, टॉयज. सो इट मस्ट बी ऑल्सो क्लियर विद यू. Now, the next rule. The words which end with F or FE, we make the word plural by removing F or FE and add VES. Now, keep this thing in your mind कि वो words जो कि end होंगे F या FE के द्वारा, यानी last letter जो उनका होगा या तो F होगा या FE होगा, तो उसका plural बनाने के लिए हम F या FE को remove कर लेंगे और इसके बदले हम लगा देंगे VES और बनेगा उसका प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल नाइफ, लास्ट लेटर है एफ ई, वी विल रिमूव एफ ई एंड एड वीई एस एंड इट विल बिकम नाइफ्स, प्लूरल नंबर ऑफ नाइफ. काफ, वी विल रिमूव एफ एंड एड वीई एस एंड इट विल बिकम काफ्स, प्लूरल नंबर. वाइफ, वी विल रिमूव एफ ई एंड एड वीई एस एंड इट विल बिकम वाइफ्स, प्लूरल नंबर. अब यहाँ क्या है कि कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि अभी मैंने बताया एफ और एफ ई का, जैसे रूफ का रूप्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, चीफ का चीफ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स. ये क्या है, दे आर एक्सेप्शनल, यानी अभी जो मैंने आपको एफ और एफ ई का रूल बताया वो हर जगह लागू नहीं होगा. तो जहां नहीं लागू होगा वो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं एंड ओनली दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द वर्ड्स जिनके साथ हम वी ई एस नहीं लगाएंगे एफ को हटा के. यानी ये जो वर्ड्स आएंगे आपके सामने इसमें आपको एस का ही यूज करना है प्लूरल बनाते समय. एंड दीज आर द ओनली सिलेक्टेड वर्ड्स, सबके साथ नहीं होगा, ये सिलेक्टेड एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं. वी विल सी सम मोर रूल्स आल्सो टू मेक फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. टू मेक सम वर्ड्स प्लूरल फॉर्म वी चेंज देयर मीनिंग. अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिनका प्लूरल अगर जब आप बनाएंगे तो हम उनके मीनिंग में कुछ चेंजेस ला देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन है, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे वो मेन हो जाएगा. यू कैन नॉट से मैन्स, यू विल मेक इट मेन. वुमन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन. तो ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा कि जिनका प्लूरल हम बनाते समय एस, ई एस, वी ई एस ऐसा कुछ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनके मीनिंग में ही चेंज ला देंगे. उसी तरह पर्सन का पीपल हो जाएगा, फुट का फिट होगा, टूथ का टिथ होगा, गूज का गीज होगा, माउस का माइस हो जाएगा. देयर आर सम सच वर्ड्स हुज सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम. अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका जो सिंगुलर होता है वही उनका प्लूरल होता है. यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड. एग्जाम्पल्स होंगे शीप, डियर, फिश, पुलिस, पेयर, डजन. ये इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है. यानी एक शिप के लिए भी आप शिप का यूज करेंगे और बहुत सारी हैं तो भी शिप का ही यूज करेंगे. एक डियर है, डियर, बहुत सारे डियर हैं उनके लिए भी डियर, जैसे मेनी डियर यू कैन से. वन फिश, फिश, बहुत सारे फिश, फिश, यू हैव टू से मेनी फिश. एक पुलिस, पुलिस, बहुत सारे पुलिस हैं, यू कैन से पुलिस. और समटाइम्स पीपल से पुलिस मैन. एक पेयर है, आप पेयर बोलोगे, दस पेयर भी हैं उसको भी आप जैसे टेन पेयर यू कैन से. वन डजन और टेन डजन, यू कैन नॉट से कि डजन्स ऐसे इस तरह से करके. हाँ, उस तरह के एस वाले यूजेस होते हुए बट वो रेयर केसेस में है और उनकी मीनिंग वहां पर अलग हो जाती है. तो यू नो नीड टू गो अप टू दैट, वो आगे की क्लासेस में आप जानेंगे. लेकिन अप टू हियर यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये इनका सिंगुलर और प्लूरल एक होता है.
So I think with this video lecture you must be clear about singular and plural number and many rules about it. जिन rules के through अगर आप जाओ तो it will be very much clear to you और आगे आपको कभी भी singular plural पहचानने में या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. So मिलेंगे अगले video में. Till then stay connected.